खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। 4 जनवरी 1643 में यूनाइटेड किंगडम में एक बच्चे का जन्म हुआ। इसका जन्म समय से पहले हो गया, इसीलिए जन्म के समय यह बच्चा बहुत कमजोर था। इसके जन्म के 3 महीने पहले ही इसके पिता की मृत्यु हो गई, इसीलिए जब यह 3 साल का था तो उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और उस बच्चे को नानी के पास छोड़ दिया। यह वहीं के एक छोटे स्कूल में पढ़ने लगा और जब यह 15 साल का हो गया तो उसके सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई। उस लड़के की मां वापस आई और उसको उसकी स्कूल छुड़वाकर खेत में काम करने के लिए कहा, लेकिन वो बच्चा खेत में काम करना नहीं चाहता था। वो वापस स्कूल गया और 19 साल की उम्र में उसने शादी कर ली, लेकिन उस लड़की ने भी उसे धोखा दिया, वो उसे छोड़कर चली गई और इस वजह से उस लड़के ने दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू की और शादी नहीं की। प्रिय साथियों, और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल बाद वही लड़का विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना जिसे हम सर आइजैक न्यूटन के नाम से जानते हैं। प्रिय साथियों, क्या सीख मिलती है? जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, और इसे समझ लिया तो यही आज का सफलता का गुरु मंत्र बन जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 16 नवंबर मंगलवार आज का राशिफल, और इसमें होगा सूर्य का राशि परिवर्तन भी कुछ झलकियां देखेंगे। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मैं आने वाले 23 और 24 तारीख को दिल्ली में रहूंगा और दिसंबर महीने में आप उससे पर्सनली दिल्ली में मिल सकते हैं, मुंबई, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद में मिल सकते हैं, आप वृंदावन में मिल पाएंगे, और 25 और 26 दिसंबर को आप मुझसे दुबई में मिल सकते हैं, और 29 और 30 दिसंबर को मैं दुबई में वास्तु विजिट के लिए उपलब्ध रहूंगा, और 28 दिसंबर को अबुधाबी में रहूंगा। अगर आप इन शहरों या इस देश में रहते हैं तो मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। चंद सेकंड में आप लोगों के लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। मेरे प्रिय साथियों, आज सुबह 8:01 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज ही रात को 8:13 तक रेवती और बाद में अश्विनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी योग, आनंद आदि योग, सुनफा योग, पराक्रम योग का साथ मिलेगा, लेकिन आज सिद्धि योग और सर्वा अमृत योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा अपनी राशि बदल देंगे, रात को 8:13 के बाद मेष राशि में जाएंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो वो आपको एक ही बार मिलेगा, वो भी दोपहर को 12:15 से 2 बजे तक। लाभ और अमृत का चौघड़िया है। कोशिश करिएगा कि दोपहर में 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करें। आज सूर्य दोपहर में 1:01 के बाद वृश्चिक राशि में रहेंगे। प्रिय साथियों, आज 6 राशि का राशिफल देखने के बाद गुरु मंत्र में बात करेंगे कि अगर पैसे की तंगी है तो दूर करने का एक विशेष उपाय। कार्यक्रम के अंत में होगा आज का एस्ट्रो ज्ञान। शुरुआत मेष राशि से। खर्च और कर्ज लगाम लगाइए वरना बहुत बढ़ जाएंगे और बाद में सिर्फ पछतावा होगा। तो कितना पैसा है, पैसे से पैसा कैसे बनाएं, सेविंग कैसे करें, इस पर विचार चिंतन मंथन करिए। और बिजनेस में चिंता तथा तनाव कोई व्यक्ति विशेष या ग्राहक दे सकता है, पहले से प्लानिंग करिए। संतान की और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर ख्याल रखिए। नौकरी में आपके लिए मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती इस समय बहुत जरूरी है, और घर में शांति होगी तो आप प्रोफेशनल भी अच्छा काम कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर उल्टे सीधे विचार हमेशा आते हैं, लेकिन आज मन को अशांत करने और अज्ञात भय को देने के लिए बहुत कुछ होने वाला है, इससे बचिए। शांत रहिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। परिवार में अपने डर और चिंताओं को दूर करने के लिए अपने दिल के सबसे करीबी सदस्य पर भरोसा करिए। सूर्य परिवर्तन से पीठ में दर्द, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो सकती है, लेकिन सरकारी महकमे में आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। प्रिय साथियों, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आज ध्यान भटक सकता है, लेकिन लगातार कॉन्सेंट्रेशन और अच्छी नींद आपको तरक्की देगा। वृषभ राशि। आमदनी बढ़ाइए और कोशिश करिए कि परिवार के और सदस्य जिनके पास कोई हुनर है, मैं एक छोटे से बच्चे को जानता हूं जो मात्र 14 साल का, लेकिन उसे शेयर मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट था। पिताजी ने उसे 2 लाख रुपए दिए आज से तकरीबन 8 महीने पहले कि बेटा ये 2 लाख रुपए तेरे पास है, तू इसे डुबो या कुछ कर ले। अभी तक वो 6.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए के कर चुका है। छोटा सा बच्चा है, पढ़ाई भी करता है। आपके घर परिवार में भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, परिवार के अन्य सदस्य हो सकते हैं जो अलग तरह के हुनर रखते हैं, काम कर सकते हैं। व्यवसाय अच्छा चले इसके लिए आप समय पर ऑफिस चलें। नौकरी में लीगल कॉम्प्लिकेशन, स्टाफ से कोई झगड़ा फसाद, कानूनी अड़चन है उसे दूर करिए। वर्क प्लेस में जुबान पर नियंत्रण
अच्छे शब्द और जल्दीबाजी न करना आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आज बना देगा। मैरिड लाइफ और लव लाइफ और रिलेशनशिप में सुखमय प्यार इश्क और मोहब्बत रहेगी। शरीर में कष्ट आज संभव है। पारिवारिक सहयोग मिले इसके लिए सबको सहयोग दीजिए। अपने विरोधी को आप अपने कौशल यानी स्किल क्वालिटी एबिलिटी व्यूज आइडिया से जीत पाएंगे और आज के दिन को शानदार बना देंगे। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर करियर निर्माण खेल में बेहतरी के लिए आज अपने काम पर ध्यान दीजिए और थोड़ा समय मिले तो ग्रुप डिस्कशन करिए दोस्तों के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ कुछ समय अच्छा बिताएंगे। सूर्य के आज से परिवर्तन से आपको लव पार्टनर लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनरशिप में बेहतरी मिलेगी। आपको हृदय में कोई चोट पहुंचा सकता है या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या आपका दिल कोई तोड़ सकता है। संभव है कि आप किसी स्पेशल व्यक्ति को अपना दिल का हाल बताएंगे और पुलिस फौज प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज गवर्नमेंट जॉब या जनरल जॉब के लिए आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। मिथुन राशि, आपकी जॉब क्या है, आप क्या काम करते हैं, जो भी आपका दिनचर्या का रूटीन या जो भी आपका काम है उसे कैसे बेहतर किया जाए इस पर ध्यान दीजिए। समझदारी चतुराई वाक्पटुता कम्युनिकेशन शानदार करके ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जॉब हो बिजनेस हो फैक्ट्री हो या ट्रेडिंग हो लाभ का दिन है। वर्क प्लेस पर अपने रूटीन में कोई बड़ा बदलाव मत करिए, छोटे छोटे बदलाव बड़ा रूप ले लेंगे। आरोग्य आपका अच्छा है, परिवार में नई योजना बनेगी। विंटर सीजन को देखते हुए स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। संतान सुख और संतान से सुख या संतान से जुड़ी हुई कोई खबर आपको सुकून देगी। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ प्रोफेशनल डील बहुत अच्छी होगी। पर्सनल रिलेशनशिप तो अच्छे हैं ही है, लेकिन प्रोफेशनली भी आज आप अच्छा कर सकते हैं। कुछ खरीदना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, भविष्य की योजना बनाना, ये आज आपके लिए शुभ होगा। और आज से सूर्य के राशि परिवर्तन से नौकरी में और बिजनेस में नियम कायदे कानून थोड़े बदलने होंगे, इसी से आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। सुर ताल और लय अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ अगर आप रखेंगे तो शानदार दिन बन जाएगा। कर्क राशि, स्पिरिचुअलिटी दान पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ अच्छा काम करेंगे। किसी और के दुख को अपना समझना, किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देना, ये सब कुछ आज आपके पास हुनर है, करके दिखाएंगे। आमदनी बढ़ाने या उस पर बात करने के लिए आज का दिन अच्छा है। शेयर मार्केट वायदा बाजार क्रिप्टो करेंसी में जोखिम मत लीजिए। नौकरी में कुछ बदलाव आज हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर आत्मसम्मान और विश्वास में वृद्धि होगी। कॉम्पिटिटर्स कुछ सक्रिय रहेंगे। करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की बेहतर किरण जग रही है जो भविष्य में लाभ और सुख प्रदान करेगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बहुत सावधानी रखनी होगी। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर में दिन मौज मस्ती से बीतेगा। सूर्य के आज से राशि परिवर्तन से जोखिम और जमानत के कार्य टालिए। किसी और की रेस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए वरना तकलीफ में फंस जाएंगे। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज स्टडी और लोगों के साथ डिस्कशन करना, अपनी पुलिस फौज प्रशासन जॉब या बिजनेस के लिए आत्ममंथन आत्मचिंतन करना आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और जो भविष्य का निर्माण करेगा। सिंह राशि, जिंदगी में कई ऐसे मामले हैं जो अनसुलझे होते हैं, उन्हें सुलझाने का प्रयास आज तब करिए जब आपको ये विश्वास हो, अति विश्वास ना हो कि आप ये कर सकते हैं, वो जरूर करिए। बिजनेस में अधिकतम लाभ के लिए आपको चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द लाने होंगे। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करनी पड़ेगी। अपने ऑफिस प्रीमिसेस को टेक्निकली और साउंड करना पड़ेगा। पूरा करने के प्रयास आज आपको आगे बढ़ा सकते हैं। वर्क प्लेस पर समय पर काम पूरा करने के लिए हर काम के लिए एक डेडलाइन तय करिए। मन को केंद्रित करिए, ठंडे दिमाग से योजना बनाइए, आज आपका दिन है। नौकरी में विवाद, चलते फिरते गाड़ी चलाते वक्त किसी से विवाद, झगड़ा फसाद लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी डाल सकता है। धीरज धैर्य और संयम रखना होगा। पारिवारिक संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता आपको महसूस होगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या जनरल एग्जाम हो, वाइवा इंटरव्यू जॉब में अप्लाई करना, किसी बिजनेस के लिए ट्रेवल करना आज आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन आज से सूर्य की राशि परिवर्तन को देखते हुए लव पार्टनर लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर में सुलझाव रखना जरूरी है। ध्यान योग चिंतन से आपका ये महीना शानदार गुजरेगा और आपको कोशिश करनी चाहिए कि परिवार के यानी पर्सनल रिलेशनशिप को प्रोफेशनल रिलेशनशिप में तब्दील करें, यह सूर्य आपके लिए करवा रहा है। किसी से झड़प डिस्टर्बेंस संभव है, इसे बचना होगा। कन्या राशि, आज आपको एक अच्छा बिजनेस पर्सन और प्रोफेशनल तरीके से सोचना होगा, प्रोफेशनल तरीके से काम करना होगा, तभी जाकर लाभ मिलेगा। बिजनेस में यह समय शांति से काम करने और हर परिस्थिति का अच्छे से सामना करने का है। नौकरी में अनुभवी लोगों से सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। अपनी अच्छी फिटनेस से आप दूसरों को प्रेरित कर सकेंगे। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सफलता हासिल करने के लिए आज बहुत कुछ है आपके पास।
इसलिए ठंडे दिमाग से योजना बनाइए। सुबह उठते वक्त अपनी दिनचर्या को एक पेपर पर लिखिए और सोचिए कि आपको क्या करना है, और वैसा ही दिन होगा जैसा आप चाहते हैं। प्यार, इश्क और मोहब्बत में जोखिम है, आज मीटिंग को टाल दीजिए। धोखा आप दे रहे या कोई आपको दे रहा है या दे रही है वो उजागर हो जाएगा। सूर्य के आज से राशि परिवर्तन से परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान आपको रखना होगा। आपके कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। सिरदर्द, कोई सिरदर्द ही बन जाए अपना ही साथी, इसकी संभावना है। प्रभु का ध्यान और शांति मानसिक सुकून आपको प्रदान करेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए छह राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि पैसा दरवाजे से आता है और खिड़की से चला जाता है। पैसे की तंगी है तो इसके लिए आज आपको घर में क्लेश भी अगर होता है तो घर के चारों कोनों में या जितने भी कोने हैं फिटकरी को रख दीजिए। ऐसा करने से शुक्र फलदायी होंगे और अगले दिन उसी फिटकरी को अपने घर में जो ग्राउंड फ्लोर पर टंकी होती है या ऊपर टंकी होती है, आप फ्लैट में रहते हैं तो आप खुद ही जाकर वॉचमैन को कहकर टंकी में डलवा दीजिए उस फिटकरी को। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तंगी में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। तुला राशि, दो तरह के आमतौर पर शत्रु होते हैं, एक ज्ञात कि हम इसे जानते हैं, एक अज्ञात हमारे साथ भी काम करता है और हमारी पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश करता है। जरा हो जाए सावधान, अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए चक्र बनाइए वरना दुश्मन कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिजनेस में अति आत्मविश्वास आपको तकलीफ देगा लेकिन आत्मविश्वास सुकून देगा। वर्क प्लेस पर दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपका ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज देराला होगा। आप अपने बाहरी रूप को लेकर अच्छा महसूस करें लेकिन भीतर से आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। नौकरी में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान से आपका हौसला बुलंद होगा। मित्र सगे संबंधियों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। लाभ के नए अवसर आपके हाथ लगेंगे। सूर्य के अब राशि परिवर्तन से परिवार के साथ भोजन करें और उन विचारों को शेयर करें जो आपके दिल और दिमाग में हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी अग्नि परीक्षा है। स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें उनके लिए आंखों में और हड्डियों में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। वृश्चिक राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। पैसे से पैसा कमाने के दो बार आपको अवसर मिलेंगे। प्यार मोहब्बत से बात करोगे तो आपके काफी काम हल्के हो जाएंगे। सरकारी बैंक में से आपको लाभ अच्छा मिलेगा। व्यवसाय यात्रा सफल रहने से बिजनेस की ग्रोथ में इजाफा होगा। वर्क प्लेस पर अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखने की आपकी क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी। जॉब में अप्रत्याशित लाभ संभव है। आपकी रुचि फिल्म संगीत में बढ़ेगी। एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और फैशन पैशन हॉबीज में आपकी रुचि बढ़ेगी और यही करना है, हमें जिंदगी भगवान ने जीने के लिए भेजा है ना कि काटने के लिए। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास आज सफल होंगे। आज आपको परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताना चाहिए और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में हो तो उसे बेहतर करने के लिए अपने नियम कायदे कानून खुद बनाना शुरू कर देना चाहिए। आज से सूर्य परिवर्तन से शत्रु आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। सावधानी जरूर रखें। मार्गदर्शन के लिए बुजुर्गों या अधिकारियों का सहारा लीजिए और किसी बड़ी समस्या का हल सहज ही प्राप्त होगा। धनुराशि, अपने माता जी की सेहत पर ध्यान दीजिए और दुर्गा माँ से प्रार्थना करिए कि आपकी माँ ठीक रहे और आपको आशीर्वाद दीजिए। उनका दिल और उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने का कोई काम मत करिए। बिजनेस अच्छा चले इसके लिए आपको समय पर ऑफिस चलना होगा। ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी, हार्डवर्क से लाभ नहीं मिलता है बल्कि थकान मिलती है, और जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपको सुकून मिलता है। नौकरी पेशा लोगों के बनते काम में थोड़ी अड़चन आएगी। भाग्य का साथ पूरा मिले इसके लिए आपको कर्म इतना शानदार करना है कि भाग्य खुद ब खुद आपकी तरफ मुस्कुराने लग जाए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप खुद करिए और सावधानी के साथ। वर्क प्लेस पर शरीर में थकान और आलस से महसूस होगा। संतान के विद्या प्राप्ति या उनके संस्कार या कोई बैड कंपनी आपको तकलीफ में डाल सकती है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिय साथियों, आज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट करिए। नई चीजें परिवार के लिए खरीदना, परिवार के साथ यात्रा करना, आने वाले टाइम में कोई शुभ और मांगलिक कार्यों की आप कोई रूपरेखा बना सकते हैं। सूर्य के परिवर्तन से अपने सगे संबंधियों या दोस्तों के साथ संबंध को और मजबूत करिए, पर आपको ऐसा करना आसान नहीं लगेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर पर आपको विशेष ध्यान देना है ताकि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा कर सकें। मगर राशि, छोटे हों या बड़े हों, भाई हो या बहन हो, अपने हो या कजिन हो, खुशी की खबर आप लोग जेनरेट करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे अगर संस्कारवान हो, हमेशा माँ बाबू जी को सम्मान दे, कुछ भी करने से पहले उनकी आज्ञा ले, तो माँ बाबू जी कभी बीमार नहीं हो सकते हैं। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग, बिजनेस पर्सन या जॉब करने वाले लोगों को लाभ अच्छा मिलेगा। टारगेट पूरे होंगे, लक्ष्य कंप्लीट करेंगे। कार्य क्षेत्र में व्यक्तिगत विवाद से निपटते हुए किसी का भी पक्ष न लें।
नौकरी में शांत रहें ताकि सभी परिस्थितियों में खुद को संतुलित बनाए रखा जा सके। पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक सकारात्मक दिन है। आज उससे मिलिए जिससे मिलना बात करना अच्छा लगता है। प्रोफेशनली अच्छा सोचिए और आज हो सके तो किसी व्यक्ति विशेष की जिसकी ऑटोबायोग्राफी आपको मिल जाए उसे पढ़िए। बहुत मोटिवेशन मिलेगा और अपने गिले शिकवे भी आप दूसरों से दूर कर पाएंगे। दूसरे की गलती है माफ कर दीजिए, खुद की गलती है माफी मांग लीजिए, दिल और दिमाग के बोझ को हल्का कर दीजिए। आज से सूर्य की राशि परिवर्तन से नए और पुराने दोस्त आपको मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे और इसके वजह से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, ट्रैवल करने का मौका मिलेगा और आपको सरकारी महकमे के लोगों से लाभ मिलेगा। पेरेंट्स की सेहत पर ध्यान दीजिए और अपनी खुद की आंख और हड्डियों पर विशेष ध्यान दीजिए। कुंभ राशि, संपत्ति के विवाद को हल करिए। पैतृक संपत्ति हो या स्व उपार्जित हो, यानी खुद ने बनाई या हमारे पेरेंट्स से बनाई, उसके रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन, झगड़े फसाद को ठीक करिए और बिजनेस ठीक चले इसके लिए समय से पहले ऑफिस चलें और वहां रहें जहां पर रहने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। गॉसिपिंग, टाइम वेस्ट करना, मूर्खों की सभा चल रही है और आप वहां भाषण दे रहे हैं, कोई काम कर नहीं, वरना लाभ आपको नहीं होगा। साथ ही अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। आज आपको तीन बार पैसे से पैसा कमाना, शेयर बाजार में अच्छी डील करने का मौका मिलेगा। नौकरी में जो भी काम है वो पेंडिंग है आपकी वजह से, आप उसे पूरा कर लीजिए, किसी और पर मत सौंपिए वरना आपके बॉस आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं वर्क प्लेस पर। इसी वजह से मनभेद और मतभेद किसी से हो सकता है। कुछ पारिवारिक समस्याएं ऐसी रहेगी जिससे गृह से अशांत रहेगी, तो पहले घर के एनवायरमेंट को अच्छा करें फिर प्रोफेशनल अच्छा कर पाएंगे। आपकी कोई बात लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन ड्रेसिंग सेंस, बेहतर कम्युनिकेशन से आप सबका दिल जीत सकते हैं। आज से सूर्य की राशि परिवर्तन से उत्साह, आत्मसम्मान और विश्वास इतना बढ़ेगा कि सूर्य आपके बहुत सारे काम बना देंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर साथ पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते शानदार रहेंगे। आनंद के इस माहौल में आपकी एक मुराद पूरी होने वाली है। मीन राशि, बौद्धिक विकास होगा, IQ और EQ लेवल को बेटर करने का मौका मिलेगा। व्यवसाय में वृद्धि होगी, लाभ के नए अवसर हाथ लगेंगे। लेन देन में सावधानी रखें, किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्क प्लेस पर कोई बड़ा काम करने का मन बन सकता है जिससे प्रसन्नता में वृद्धि होगी। जॉब में मान और सम्मान मिलेगा, नई जिम्मेदारी चैलेंजेस मिलेंगे जिसे आप बखूबी अंजाम तक पहुंचा देंगे। आज आप अपने जीवन की रुचि का पता लगाने की कोशिश करिए कि आप किन बातों से खुश होते हैं। फैशन, पैशन, हॉबीज इसे अपनाइए, गीत गुनगुनाइए, मजा जाएगा। और वैसे भी ईश्वर ने हमें जिंदगी को जीने के लिए भेजा है, काटने के लिए नहीं। सूर्य की राशि परिवर्तन से आज से आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, तभी जाकर संतुष्टि मिलेगी। यह समय लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ समर्पित करने का है। आपको प्रोफेशनल नए रिश्ते बनाने का मौका मिलेगा, सरकारी महकमे के लोगों को लाभ मिलेगा और सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए आपके एफर्ट शानदार होंगे। आज बात करते हैं एस्ट्रो ज्ञान की। वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या राशि वाले लोगों के लिए दिन शुभ है। तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। मेष, सिंह, धनु राशि वाले लोगों के लिए संभल कर रहने का दिन है, लेकिन आज आप हनुमान जी के मंदिर में नंगे पैर जाएं और हनुमान जी के दर्शन करें और उनके उनके बाएं पैर में सिंदूर लगाकर उसी अंगुली से अपने ललाट पर तिलक लगाएं और 7 त्रिकोणीय ध्वजा चढ़ाएं। इससे सुख समृद्धि, व्यापार में वृद्धि और आपकी राशि को बल मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहिए। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा ये जानकारी ली जा सकती है। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।